एक खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष राव बहादुर सिंह के ऊपर 3 अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया है। दरअसल यह हमला तब हुआ जब वह संगठन के कार्य से सिवनी जा रहे थे। बताया जा रहा है कि मंगवानी थाना क्षेत्र के बकोरी में 3 लोगों द्वारा उनकी फॉर्चुनर गाड़ी को रोका गया और उन्हें उनके साथ चलने को कहा, लेकिन जब वह नहीं गए तो उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। वह घटना के समय वहां से गुजर रही डायल 100 की गाड़ी को देखकर बदमाश पीछे हटे और मौका पाकर राव बहादुर ने भागकर अपनी जान बचाई। मैं कुछ कार्यों के लिए सिवनी जा रहा था, तो सिवनी जाते समय मुगवानी के आस के थोड़ा इस तरफ बकोरी के आसपास कुछ 3 लोगों की अज्ञात बोलेरो निकली मेरे सामने से और बोलेरो ने मुझे खड़ा किया, रोका। तो मैं रुक गया, मुझे लगा कुछ काम होगा इनका। उन तीनों को जानता था मैं, एक सुनील पटेल था उसमें, एक अन्नू महाराज था और एक गोपाल पटेल, तो कंदरापुर के थे, झावर का था। तो मुझे लगा कुछ काम होगा इनको, तो मैंने कहा कुछ समरसता के भाव में जान पहचान के लोगों ने गाड़ी खड़ी की। तो उसने आके सीधा मुझसे बोला कि आपको चलना है, कोई छोट कोई महाराज का नाम लिया उसने कि भोले, कुछ भोले बुला रहा है आपको, कैसे चलना है। मैंने कहा मैं क्या कैसे जाऊँगा, मैं तो भोले को जानता नहीं हूँ, बोले तो भी चलना पड़ेगा। मैं कहने ऐसे नहीं होता, मैं क्या जाऊंगा तुम्हारे पास, नहीं जाऊंगा मैं। तो उसने मेरे ड्राइवर के तरफ जाके एक आदमी ने गाड़ी की चाबी निकाल ली और 2 लोग इस तरफ आके गेट खोल के मुझे झूमा झटकी करने लगे। झूमा झटकी में उनने मेरे गले में मतलब ऐसा पकड़ा, तो पूरे 2 चैन थी मेरे गले में, एक चैन उसमें टूट के शायद ले गए, गिर गई पता नहीं। और उसके बाद उन्होंने डंडा निकाल के मुझे सीधा मारने लगे। जैसे सुनील पटेल ने आगे सीधा मुझे यहाँ पर चाकू मारी, उसको मारने से मेरी उंगली कट गई पूरी, और मेरा फोन छीनने लगे कि तेरा फोन चाहिए मुझे। इस तरह की घटना के बाद सेकंड बार उन्होंने क्या किया कि पीछे से अन्नू महाराज ने मुझे मारना चालू कर दिया, डंडे मुझे बहुत मारा, तो मेरे पैर में टूटा हुआ है, पैर की एक हड्डी टूट गई। इस तरह की घटना में ये घटना जो हुई है ये बड़ी निंदनीय है। इस तरह से मैं देखा कि मैं शायद बच नहीं पाता, वो तो उस समय पर एक के गाड़ी आ गई छोटी, वो 500, तो उस कारण से उनको थोड़ा ढीला हो गया वो, और मुझे छोड़ा उनने, और छोड़ा जैसे तो मैं भागे भागा, तो भाग के मैं बस में बैठ के सीधे मकवानी थाने चला। विगत दिवस श्री राव बहादुर लोधी जी के साथ घटना घटित हुई थी और इस संबंध में प्रारंभिक कार्रवाई के उपरांत उपयुक्त धाराओं के अंतर्गत 3 आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध, थाना स्टेशनगंज में अपराध दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान करवाया।